दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की सीरीज जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट के ड्रॉ होने पर वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने भारत के खिलाफ उगला जहर। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में किसी भी टीम को जीत नहीं मिली है। बारिश के कारण अंतिम दिन का खेल नहीं हुआ और मुकाबला ड्रॉ हो गया। ऐसे में मैच ड्रॉ हो जाने के बाद वेस्टइंडीज के दिग्गजों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने ड्रॉ हो जाने के बाद भारत के लिए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार दूसरे टेस्ट के ड्रॉ होने पर वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दोनों दूसरे दिन में ऑल आउट होकर अपना विकेट दे दिया। आपको बता दें भारत ने पहली पारी में 438 रन बनाए थे, जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 255 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया को 183 रन की बढ़त हासिल हुई। भारत ने दूसरी पारी दो विकेट पर 181 रन बनाकर घोषित कर दी और कुल 364 रन की बढ़त हासिल की। इस तरह वेस्टइंडीज को 365 रन का लक्ष्य मिला। ऐसे में दूसरी पारी के अंदर चौथे दिन की समाप्ति तक 76 रन दो विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज ने बनाए और ये मुकाबला पांचवें दिन बारिश के कारण नहीं खेला गया। और मुकाबला ड्रॉ के बाद वेस्टइंडीज के दिग्गजों का बयान सामने आया है, जिसमें क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में अंतिम दिन बारिश ने भारतीय टीम को बचा लिया है। भारतीय टीम को हराने के इरादे से वेस्टइंडीज की टीम अंतिम दिन मैदान पर उतरने वाली थी, लेकिन बारिश के चलते किस्मत भारतीय टीम के पक्ष में चली गई और भारतीय टीम इस मुकाबले में हार का सामना नहीं कर पाई। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि अगर भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से हार जाती है, ऐसे में भारतीय टीम को बारिश के चलते काफी फायदा मिलता, तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम को काफी ज्यादा नुकसान भी हो गया। तो वहीं विवियन रिचर्ड्स ने बयान देते हुए कहा कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करने से बारिश ने बचा लिया। भारतीय टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारत को चुनौती दी, ऐसे में भारतीय टीम के सामने दिक्कत भी पैदा हो गई। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन बारिश ने भारतीय टीम को हार से बचा लिया। ऐसे में भारतीय टीम के पक्ष में सीरीज चली गई और भारतीय टीम इस मुकाबले को हारने से बच गई। तो वहीं ब्रायन लारा ने बयान देते हुए कहा कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट के अंतिम दिन भारतीय टीम काफी ज्यादा कमजोर परिस्थिति में थी, भारतीय टीम लगभग हार के नजदीक थी। ऐसे में भारतीय टीम को बारिश के चलते काफी बड़ा फायदा हो गया और भारतीय टीम एक हारे हुए मुकाबले को ड्रॉ के रूप में नतीजा हासिल कर लौट गई। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को बारिश ने बचा लिया है, अगर बारिश नहीं आती तो वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले को जीत जाती और सीरीज को भी एक के साथ एक बराबरी कर देती। ऐसे में भारतीय टीम को बारिश ने बचा लिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में अगर बारिश नहीं होती तो वेस्टइंडीज की टीम भारत को हरा सकती थी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।